भारत केवल खबर और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी सहतवार थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव के एक व्यक्ति की घाघरा नदी में डूबने से मौत हो गई। जी हां, यह हादसा तब हुआ जब मृतक व्यक्ति अपने खेत से खाद छिड़काव करा रहा था, जिसे वो घाघरा नदी में हाथ पैर धोने के क्रम में उसका पैर फिसला, नदी में जा गिरा। वहां मौजूद ग्रामीणों ने देखकर शोर मचाया, बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पूरी तरह पानी में डूब चुका था। घटना की सूचना पर सहतवार थाने की पुलिस अपनी टीम के साथ महाराजपुर पहुंची। मौके पर रेवती थाना क्षेत्र से गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोरों ने घाघरा नदी में छलांग लगाई, डूबने वाले व्यक्ति को मृत अवस्था में बाहर निकाला। सहतवार थाने की पुलिस टीम लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मौके पर आसपास के गांव के सैकड़ों समाजसेवी ग्रामीण मौजूद थे। घटना के बाद परिजनों में मातम पकड़ा हुआ है। बलिया से निखिल सिंह की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। एटक की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनिया देवी, सहायिका सेविका संघ के जयनगर प्रखंड अध्यक्ष सरिता रानी की पहल पर जयनगर प्रखंड के डंडा डीह में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अच्छी पहल करते हुए सुंदरी सिलाई और ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। इसका उद्घाटन स्थानीय मुखिया अशोक यादव और समाजसेवी नागेंद्र कुमार ने सोमवार को संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उप केंद्र का संचालन एटक की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनिया देवी और सहायिका सेविका संघ की जयनगर प्रखंड अध्यक्ष सरिता रानी खुद अपनी राशि से शुरू कराई है। पहले चरण में 3 महीने तक स्थानीय महिलाओं को सिलाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें सिर्फ 500 रूपये नामांकन शुल्क देना होगा। ये सिलाई और ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोला गया है, ताकि महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उन्होंने बताया इस केंद्र को खोलने में फिलहाल 50,000 की लागत आई। अगर इसका परिणाम बेहतर हुआ तो आगे भी पूरे प्रखंड की महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया 3 माह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में शुरुआती दौर में 50 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सेविका सहायिका संघ के प्रखंड अध्यक्ष सरिता रानी ने बताया उनके मन में एक लालसा थी, गांव की महिलाएं अगर अपने हाथ में हुनर बना लेंगी तो निश्चित तौर पर वो स्वयं को आत्मनिर्भर बना पाएंगी। इस अवसर पर सीमा देवी, कल्पना देवी, अनीता देवी, पूजा देवी, रिंकी देवी, गुड़िया देवी, हेमंती देवी, जितनी देवी, कुसुम देवी, संतोषी देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। रिपोर्ट रणजीत कुमार भारती, जयनगर कोडरमा। उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन का आज दूसरा दिन है। महिला लोग सिलाई प्रशिक्षण ले रही है और सिलाई प्रशिक्षण लेकर के आत्मनिर्भर बनेगी, आगे बढ़ेगी और अपने पैर पर खड़ा होगी। धन्यवाद। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का निर्णय सोनिया देवी, सरिता रानी ने लिया और आज प्रशिक्षण का पहला दिन। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। स्थानीय रविदास मोहल्ला निवासी मनोज रविदास ने दहेज की खातिर अपनी पत्नी गायत्री देवी पर खोलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे गायत्री देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना रविवार की रात्रि की है। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पीड़िता के मायके वालों को मोबाइल पर दी। सूचना मिलने के बाद चंदवारा थाना क्षेत्र के भोंडो निवासी पीड़िता की मां मीना देवी गायत्री देवी के मायके पहुंचे और आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस मामले को लेकर पीड़िता की मां मीना देवी ने कोडरमा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतिशाम बकारीद से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अपने आवेदन में कहा उसकी पुत्री का विवाह 10 वर्ष पूर्व जयनगर रविदास मोहल्ला निवासी सुरेश रविदास के पुत्र मनोज रविदास के साथ हुई थी। शादी के 2-3 वर्ष बाद ससुराल वाले उसकी पुत्री से दहेज की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर उसे जान से मार देने की धमकी भी देते रहते थे। उन्होंने कहा घटना को अंजाम देने में पति मनोज रविदास के अलावा सास मलवा देवी, ननंद लखी देवी का भी हाथ है। उन्होंने एसपी से अपने पुत्री को न्याय दिलाने की मांग की है। रिपोर्टर रंजीत कुमार भारती, जयनगर कोडरमा। मुझे कुछ न कर रही हूँ, बैठल रही हूँ, सुतल रही हूँ, कर रही हूँ आप ऐसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे वहाँ खड़ा हुई, यहाँ खड़ा हुई, कम पड़ल हो कर रही का नरे एकदम से उधरों घर टाल रही है, करतू करतू कभी भी नाम काम ना लगती एकदम से नाम काम कल जंगल नंगल ही से खतिन मर मम्मा सा सब लगती। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन को आपने खबर नहीं किया अभी तक? पुलिस को बताया नहीं आपने? करते तब ना खबर करते।
सास बहू में। तो क्या किया? कुछ नहीं, हस्बैंड उधर से उनको पनिया से करके छटक गया। बोल क्या गलती इसमें? रात में। पति कहाँ है आपका? नहीं है। क्या नाम है पति का? पति का क्या नाम है? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में साइबर गैंग से जुड़े 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवघर डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया, इन अपराधियों की गिरफ्तारी चित्रा खागा सारठ थाना क्षेत्र के पतरड्डा ओपी मार गोमुंडा थाना क्षेत्र से की गई है। इन साइबर अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 27 सिम कार्ड, एक पासबुक, 8 एटीएम और एक कार बरामद की गई। आगे उन्होंने बताया, इस कांड में गिरफ्तार मुर्शीद अंसारी साइबर अपराध मामले में नामजद हैं और अभी जमानत पर बाहर हैं। इसके साथ ये जानकारी दी गई, गिरफ्तार साइबर अपराधियों द्वारा साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं, उन्हें बताते हैं उनका एटीएम बंद होने वाला है। इसके अलावा केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगी भी की जाती है। इन अपराधियों द्वारा साइबर ठगी के लिए गूगल पे का भी सहारा लिया जाता था। साथ ही साइबर अपराधियों द्वारा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के माध्यम से भी ठगी की जाती थी। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। निर्देशन पे हमने दो टीम का गठन किया, जो मेरे द्वारा और साइबर डीएसपी नेहा वाला के द्वारा पिछले 9/2/2021 के रात से हम लोग 3-4 थाना क्षेत्र में हमने छापेमारी किया, जिसमें 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 18 मोबाइल, 27 से पासबुक, 1 एटीएम, 8 और एक चार पहिया वाहन रिकवरी हुआ। मुर्शीद अंसारी सारा थाना से संजय 79/16 में आपसमें कभी था, जो साइबर केस था उसमें वो जमानत पर नहीं है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बिंदु धाम मंदिर प्रांगण में हुई भाजपा की बैठक। जी हां, बरहरवा बिंदु धाम मंदिर प्रांगण में सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष रामदर्श यादव की अध्यक्षता में भाजपा जिला मंडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा वरिष्ठ नेता गणेश तिवारी उपस्थित हुए। बैठक का शुभारंभ मातृशक्ति भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष जिलाध्यक्ष रामदर्श यादव ने दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया। जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी संगठनात्मक चर्चाएं करते हुए आगामी 11 फरवरी को प्रखंड स्तरीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाने की बात कही। उन्होंने समर्पण दिवस कार्यक्रम भव्य रूप से मनाने को लेकर जिले के सभी मंडलों में प्रभारी नियुक्त किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष चंद्रभान शर्मा, कार्तिक शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष पांचू सिंह सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। समाहरणालय के उत्तरी द्वार पर जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में महंगाई के विरोध में श्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रेस वार्ता में श्री अमित कुमार ने कहा, देश आज गुलामी के कगार पर खड़ी है। देश की सारी संपत्ति की बिक्री की जा रही है, चाहे रेलवे हो, LIC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हवाई अड्डा, रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड को भी सरकार ने खर्च करने से परहेज नहीं किया। आज देश में पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य आसमान छू रहा है, जबकि पूर्व में देश में इस ढंग की मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी। आज देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। आज $56 प्रति बैरल कच्चा तेल है और सरकार 89 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल बेच रही है, जबकि $46 प्रति बैरल कच्चा तेल खरीद कर मनमोहन सिंह की सरकार में 55 रुपया प्रति लीटर डीजल और 62 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल बिक्री कर चुकी थी। तभी विरोधी दल सरकार के मुखिया को चूड़ी भेजकर सरकार को सचेत करते थे कि देश को कंगाल करने की कोशिश ना करें। हम सरकार की नीति के खिलाफ पुतला फूंक कर देश और आवाम के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। श्री अनिल कुमार पासवान युवा नेता ने कहा, सरकार ने देश को दिवालिया कर दिया है। देश की जनता तरहा रही है। किसान 3 महीने से सड़क पर है, लेकिन जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश को बेरोजगार और कंगाल बनाने को आतुर है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा मुख्य रूप से प्रताड़ित हो रहा है। सरकार सुरक्षा देने में असमर्थ है। हम सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं। आगे भी हम युवा साथी सरकार को सबक सिखाएंगे। आंदोलन करने वाली जनता को प्रधानमंत्री परजीवी कह के पुकारते हैं। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। जब से इस देश में ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री की सरकार बनी, जिस समय 2014 में जब चुना हुआ था
उस समय ये हमारे बीजेपी के जो नेता थे उस समय स्मृति ईरानी जी थी जो गैस सिलेंडर लेके माथा पर नाच करती थी सड़क पर। आज देखिए इनके ही सरकार में हर चीज का दाम आसमान छूते जा रहा है। आज कच्चा तेल जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय कच्चा तेल का आप दाम देख लीजिए और उस समय का डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए। और अभी जो कच्चा तेल 50 रुपये बैरल डॉलर अगर है तो अभी डीजल और पेट्रोल का दाम लगता है अब सैकड़ा छूने में एक पैसा ही कम होगा। और जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय 125 रुपये बैरल डॉलर था। उस समय हम लोग पूरे हिंदुस्तान के गरीब मजदूर आम आवाम छात्रों को 70 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हम लोग मुहैया करा रहे हैं। लेकिन आज की सरकार ये तानाशाही सरकार और कॉरपोरेट घराने की सरकार है जिसके खिलाफ आज पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी विंग मिलकर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। अगर पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर इत्यादि दामों की मूल्य में वृद्धि कम नहीं की गई तो लगातार जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इसी तरह आंदोलन होते रहेगी जब तक ये डीजल पेट्रोल और चीज का दाम नहीं कम होता है। विभिन्न चीजों के दाम बढ़ा रही है जैसे एलपीजी का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, हर चीज की दाम बढ़ रही है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है। तो ये जो दाम है वह सरकार की प्रायोजित दाम लग रहा है, इससे बाजार की परिस्थिति के हिसाब से ये दाम नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हीं सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है जिस पर सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण है, जिसका दाम सरकार खुद से बढ़ा सकती है, उन चीजों का भाव बढ़ रहा है। अब जब देश में नोटबंदी के वजह से, लॉकडाउन के वजह से, जीएसटी के वजह से पूरे बाजार का हालत खराब है, पूरा ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है, जब स्थिति यह है कि बाजार में गरीबी बढ़ रही है, ऐसी परिस्थिति में सरकार को लोक कल्याणकारी उपाय करना चाहिए था ताकि वस्तुओं का भाव घटे, डीजल का भाव घटे, पेट्रोल का भाव घटे, एलपीजी का भाव घटे। इसके ठीक उलट सरकार अपने लोक कल्याणकारी चरित्र को समाप्त करते जा रही है। सरकार का अवधारणा है इसलिए है ताकि गरीब से गरीब लोग भी सर्वाइव करें, इसलिए सरकार की आवश्यकता होती है। लेकिन वर्तमान सरकार जो फैसले ले रही है, चाहे वो भत्ता के लिए पार्लियामेंट से ले, चाहे अध्यादेश के जरिए ले, वह समाज के सबसे कमजोर मध्यम वर्ग निम्न वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए उनका क्या हुआ सारा फैसला उनको परेशान करने वाला है। हम इसी रही है जिसके वजह से एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से गैस और या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हम सरकार के उन कदमों का विरोध, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के लिए आज यहाँ जमा हूँ। जिनका पुतला प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का पुतला फूका है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह है, असंगठित कामगार कांग्रेस बेगूसराय शाखा का मैं अध्यक्ष हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बेगूसराय में सरकारी अनाज नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये मामला सिंघोल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर वार्ड नंबर 5 का है। ग्रामीणों ने बताया डीलर आनंद कुमार द्वारा पिछले 2 महीने का राशन सरकारी अनाज गरीबों को नहीं दिया गया। इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने डीलर को भरी पंचायत में बुलाकर अनाज नहीं देने का कारण बताने को कहा। इस पंचायत में डीलर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की ग्रामीणों द्वारा मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक इस डीलर को यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया डीलर द्वारा मनमानी की जाती है, सही समय पर सरकारी अनाज गरीबों को बीच नहीं बांटा जाता, टालमटोल कर वहां से भगा दिया जाता है और अनाज भी कम देता है, जबकि सरकार द्वारा मार्च तक डीलरों द्वारा अनाज लाया गया, इसके बावजूद भी दिसंबर जनवरी का अनाज गरीबों के बीच नहीं बांटा गया। इस पंचायत में सैकड़ों ग्रामीण जुटे हुए हैं, डीलर को बंधक बनाकर पंचायत कर रहे हैं। डीलर आनंद कुमार ने बताया सरकार द्वारा अनाज अभी नहीं दिया गया, अनाज दिया जाएगा तो गरीबों के बीच बांटा जाएगा। पंचायत का फैसला आया, अगर इस बार गरीबों के बीच सरकारी अनाज सही ढंग से नहीं बांटा जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ इस डीलर के खिलाफ एसडीओ से शिकायत की जाएगी, फिर भी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो एसडीओ का घेराव किया जाएगा। इसके बाद पूरा मामला शांत हुआ, डीलर आनंद कुमार को उस जगह से जाने दिया गया। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। वोट कारण फसबे सबूत 3 बजे
भोर में गाड़ी पर लोड हो गया चक्कर जवाब के देबे तो देबो हमने देबो नहीं नहीं सब बात एकर जवाब के देबो संभव जनवरी के माल ले ले उपाय यहाँ घपला किया जा रहा है। मामला यहाँ घपला का आया है कि अनाज सरकार वहाँ से दे रहे हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुँच रही है। हमारे यहाँ कार्ड में 732 आदमी का नाम है लेकिन 732 आदमी का कार्ड राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन राशन हर बार वहाँ से उठ उठ का आ रहा है, तो राशन कहाँ जा रहा है? एक नंबर तो ये बात है, इसमें है देखिए, इसका 154 नंबर पेज पर है। ये पूनम देवी है बेचारी, मसोमैत है, उसके पति हस्बैंड मर गए हैं, उनके कार्ड पर 5 मेंबर का नाम है, उनका हर दिन कार्ड पर हर बार हर मंथ आ रहा अनाज, लेकिन उसको एक अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज मिल रहा लेकिन अनाज हर बार आ रहा है। दूसरी बात यहाँ रही, ये आ रहा है बहुत 3-4 साल से आ रहा है, उसका कभी नहीं मिला है। उसके बाद मेरा अगर पर्सनल लीजिएगा तो मेरा नाम जो था अभी 2 महीना पहले कट गया है, 3 साल से हमको अनाज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 3 साल से मेरा अनाज तो आ रहा है, वो अनाज कहाँ गया मेरा? अगर इनको कहे कि मेरा एक बार अनाज आ रहा है तो एक बार ये हमको 3 महीना का अनाज एक ही बार जोड़ के दे दिए, तो गलत 30 जगह है। जब हमारा नाम नहीं था तो 3 महीना का आप कहे दिए हमको? एक नंबर की बात है, मेरा नाम ही नहीं था क्यों दिए? था तब तब दिए हैं, उसके बाद फिर बंद कर दिए थे हम, वो मेरा पर्सनल मामला हो गया। दूसरा नंबर बता रहे हैं कि जनवरी की कहने के अनाज नहीं आया है, जनवरी का अनाज अगर नहीं आया तो जनवरी का अनाज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिसंबर से दिसंबर का भी अनाज आया हुआ है 66 क्विंटल 65 kg, और ये पैसा भी पेड किए हुए हैं 12,663 रुपया। ये हो गया है आपका PHH, ये होता है प्रायोरिटी हाउस होल्डिंग, जो सरकार के नजर में कम गरीब आदमी है। एक होता है AAY अंत्योदय अन्न योजना, जो सरकार के नजर में एकदम गरीब आदमी है, उसको जो है उसके देखो PHH में आया है 66.65 kg अनाज, दिसंबर का है, और AAY का आया है 82 क्विंटल 60 kg, ये आ गया है AAY का। अब देखिए जनवरी में आया है, जनवरी में AAY का 81 क्विंटल 90 kg उठाए हैं, जिसमें पैसा जमा किए हैं 1556। जनवरी का कोटा यहाँ नहीं बटा है, जब तक जनवरी कोटा बटा नहीं तो फरवरी का कोटा आ कैसे गया है? इसलिए बुलाया गया कि डीलर आज से नहीं बहुत दिन से हर एक आदमी को 2-2 kg वजन भी कम दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इनको बहुत दिन से कहा जा रहा है लेकिन किसी को नहीं। स्टेटमेंट ले लीजिए डीलर में, इतना कर रहे हैं वो भी अनाज कम दिया जा रहा है। इनका जिम्मेदारी बनता है कि जिस आदमी का अनाज लाए हैं उनको एक बार संपर्क करना चाहिए कि आपका अनाज आ रहा है, आप अनाज ले जाइए, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। दिसंबर और जनवरी का राशन एक साथ मिला, इन्होंने 1 महीना का राशन दिया, जनता में बवाल हुआ, हमको दोनों महीना का मिलना चाहिए, दोनों महीना का राशन मिलना चाहिए, दोनों महीना का नहीं मिला तो पंचायत आयोजित किया गया, और पंचायत आयोजित कर करके पंचायत आयोजित करने के बाद डीलर को कहा गया तुम दो महीना का राशन अविलंब मुहैया कीजिए आप जनवरी और दिसंबर का, अगर नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? अगर नहीं देगा तो आपको जो है SDO और MO साहब से जांच कराया जाएगा, इसका कहना है डीलर का कहना है। क्या नाम है आपका? रणवीर कुमार डुमरी पैक्स अध्यक्ष। क्या पूरे गांव के क्या 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 कह रहे थे? 2 किलो वजन कम देता है, हर भारत, और अगर नहीं कम देता तो पूरे जनता से पूछिए कि 2 किलो कम वजन नहीं देता है, और इस गांव के हर प्रतिनिधि को और कोई नहीं किया। क्या नाम हुआ? प्रतिनिधि नहीं किया। नाम कहना चाहते हैं? नाम क्या? मेरे ऊपर आरोप है कि आप 2 महीना का दिसंबर और जनवरी का बिल निकाले हैं, आप 1 महीना का राशन दिए हैं, हमको सरकार एडिशनल के तौर पर मांग की थी, जिलापूर्ति महोदय मांग किए थे, जो अभी तक हमको आपूर्ति नहीं हुआ है, इस वजह से लटका हुआ है। ग्रामीण का आरोप है कि आप दिसंबर और जनवरी का पुर्जा निकाल लिए, आप जनवरी का माल नहीं दिए, आप जनवरी का माल दीजिए, नहीं एडिशनल के तौर पर मिलना था वो हमको अभी तक नहीं मिला है, फरवरी तक जो हमको वितरण में लगता है उतना माल नहीं मिला है। यानी मिला है माल? माल मिला है, फरवरी तक माल मिल गया, फिर जनवरी के क्यों नहीं दिए? कल फरवरी का परसों माल भेजा है, पहले नहीं मिला। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग
लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। पनापुर प्रखंड के बकवा पंचायत धनौती गांव में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन को पंचायत मुख्यालय बकवा गांव में कराए जाने की मांग को लेकर सोमवार से प्रखंड कार्यालय पर धरने पर बैठे बकवा गांव के ग्रामीण मंगलवार को उग्र हो गए और जमकर हंगामा काटा। शांतिपुर धरने पर बैठे ग्रामीण मंगलवार को बीडीओ के कार्यालय पहुंचते ही वो हंगामा करने लगे और बीडीओ सीओ मुखिया के विरोध में नारेबाजी करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही एसआई बच्ची देवी के नेतृत्व में स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें उग्र ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बीडीओ के गाड़ी के सामने भी खड़े होकर उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। ग्रामीण किसी की बात सुनने को राजी नहीं थे। बाद में पुलिस अभिरक्षा में बीडीओ को कार्यालय छोड़ना पड़ा। बीडीओ के जाने के बाद ग्रामीण और उग्र हो गए एवं कार्यालय में घुसकर हो हंगामा करने लगे। इस दौरान उन्होंने कर्मियों से भी बदसलूकी की। ग्रामीणों का कहना था मामला कोर्ट में है, इस कारण प्रशासन निर्माण कार्य पर रोक लगाई। उन्होंने कहा जब तक निर्माण कार्य बंद नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। इस मामले में बीडीओ मोहम्मद सज्जाद ने बताया वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन से उचित कार्रवाई की जाएगी। पानापुर से रमेश मिश्रा की रिपोर्ट। मार्च मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से पीएचसी मशरक में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने के 9 तारीख को लगने वाला स्वास्थ्य जांच शिविर बुधवार को लगा, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। गर्भवती महिलाओं को जांच कर उन्हें उन सारी बातों की जानकारी दी गई जो गर्भधारण से लेकर सुरक्षित प्रसव तक सावधानी बरती जाती है। अस्पताल प्रबंधक परवेज रजा ने बताया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। रूटीन इलाज को छोड़कर इस अभियान के तहत अब गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जाता है। शिविर में द्वितीय एवं तिमाही गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। शिविर में जांच किए गए 1 दर्जन गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन, बीपी व अन्य प्रकार की कमी पाई गई। जांच शिविर में डॉक्टर रिजवान अहमद प्रखंड स्वास्थ्य मूल्यांकन पदाधिकारी, प्रियांशु प्रकाश बीसीएम, लवकुश कुमार के साथ एएनएम गीता देवी, निर्मला देवी सहित कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। जांच शिविर में आई महिलाओं ने पीएचसी में अल्ट्रासाउंड महिला चिकित्सक नहीं होने पर नाराजगी जताई। मौके पर महिलाओं ने बताया पीएचसी ग्रामीण इलाकों में अवस्थित है, महिला चिकित्सक के अभाव में निजी क्लिनिक की तरफ जाना पड़ता है, महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। अभी ये आज 9 तारीख है, आज 9 तारीख को ये प्रधानमंत्री के आह्वान मातृत्व सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महिलाओं, गर्भवती महिलाओं का चेकअप, सभी महिलाएं जो गर्भवती है सरकारी अस्पताल इनका जो है जांच किया जा रहा है ताकि कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर प्रेगनेंसी है तो उसको रूल आउट करके उसको बेहतर इलाज की सदर भेजा जा सके। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत डीएलएड ओडीएल का प्रशिक्षण करने वाले शिक्षकों पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खुशखबरी दी है। न्यायालय के इस फैसले पर शिक्षक संघों ने हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश का आभार जताया। साथ ही साथ सरकार को कहा सरकार शिक्षकों को न्यायोचित मांगों को अविलंब पूरा करे, अन्यथा सरकार को कोर्ट में बार बार बेइज्जत होना पड़ेगा। शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह ने हाईकोर्ट के इस फैसले को शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत बताया। शिक्षक नेता ने कहा सरकार की लेट लतीफी का अर्जाना शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा था, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश ने शिक्षक न सिर्फ आर्थिक रूप से सबल होंगे बल्कि उसकी सेवा में भी लाभ होगा। श्री सिंह ने कहा माननीय न्यायालय ने डीएलएड ओडीएल 2013-15 में, मई 2017 में प्रशिक्षण पूरा करने वाले, मार्च 2019 में पूरा करने वाले शिक्षकों को निदेशक द्वारा वर्ष 2017 से वैचारिक लाभ, वर्ष मार्च 2019 में परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ देने का पत्र निर्गत किया गया था, जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा न्यायालय की शरण ली गई, जिसमें न्यायालय ने शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि मई 2017 से वित्तीय लाभ देने का निर्देश देते हुए निदेशक के उस पत्र को रद्द कर दिया, जिसमें परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया गया था। श्री सिंह ने बताया सरकार शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करे, अन्यथा हर बार न्यायालय में बेइज्जत होना पड़ेगा। छपरा मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। मामला है, देखिए आज जो आदरणीय पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है आश्चर्य करने वाला है। कई बार माननीय न्यायालय ने सरकार को लखड़ने का काम किया है, लेकिन सरकार सुधरने वाली नहीं है। उसी संदर्भ में जो डीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड से जो प्रशिक्षित हुए हैं शिक्षक 13-15 सेशन के, उनके लिए यह पत्र निर्गत किया गया था कि उनको प्रशिक्षण की तिथि से दिया जाए, लेकिन जानबूझ के शिक्षकों को परेशान करने के लिए ये जो है सो कि उनको 2019 से लाभ देने के लिए काम किया। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आप उनको वित्तीय लाभ विथ एरियर सहित भुगतान करने का आदेश दीजिए, और जानबूझ के और ऐसे मामले में शिक्षकों को परेशान और न्यायालय को गुमराह करने का काम नहीं कीजिए, अन्यथा इसके बाद आप आइएगा तो आपका उपाय करेंगे।
इसलिए हम माननीय सरकार से मांग करते हैं कि जिस मामले में सुलभ ढंग से जो राशि निर्माता विद्यालय में पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनको मुकदमाबाजी में अपना लगाए, उनका समय मुकदमा में न लगाया जाए, वैसे ही मामला दिए उपचारधारियों के साथ है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से इस पत्र का अनुपालन अविलंब बिहार सरकार करे, नहीं तो फिर क्या, नहीं तो फिर इसके बाद समझदे करते हैं जाएंगे अभियंता बना के सब लोग आएंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।